तो मेरे पास ना एक कबाड़ का भंडार है और उसमें से मैं हर हफ्ते कुछ ना कुछ नई चीज निकालती हूँ और उससे कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आपको भी कबाड़ से जुगाड़ करने में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मानसी। तो आज फिर से मैं ये खजाना लेके आ गई हूँ और आज हम इसमें से फिर से कुछ ना कुछ निकालेंगे। तो सबसे पहले काफ़ी सोच विचार करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे आई हूँ कि ये जो हाजमोला की बॉटल है इसको यूज़ करूँगी आज मैं, और बाकी की चीज़ें अभी के लिए हम साइड में रख देते हैं। तो क्योंकि मेरे पास ऐसी 3-4 बॉटल्स इकट्ठा हो गई थी और मैं सोच रही थी कि इसका कुछ बनाऊँ, और बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आइडिया सोचा है एंड मुझे पक्का पता है कि आप लोगों को वो बहुत पसंद आएगा। और मुझे ना जो डेकोर वाले पीसेज होते हैं वो बनाने तो अच्छे लगते ही हैं, लेकिन मुझे ऐसी चीज़ें बनाना ज़्यादा पसंद है जो डेकोर पीस की तरह तो यूज़ हम कर ही सकते हैं, साथ ही उसका कुछ ना कुछ यूज़ भी हो। तो काफ़ी यूज़फुल सी चीज़ आज बनने वाली है, और अगर यही चीज़ आप मार्केट में लेने जाओगे तो आपको काफ़ी महंगी भी पड़ेगी। तो बस ज़्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करते हैं, सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मैं कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी बीच बीच में शेयर करती रहूँगी, तो उसको बिल्कुल मत मिस करना। तो बस चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पास ऐसी हाजमोला की 3-4 बॉटल्स थी, और ऐसा नहीं है कि अपने आप मेरे पास रखी हुई थी, खुद ही मैंने 1-2 साल से इकट्ठा की थी। क्योंकि मेरी आदत है ना कि जब भी घर में ऐसी कोई वेस्ट चीज़ होती है तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, रख लेती हूँ। और ये रखी हुई थी और काफ़ी टाइम से मैं सोच भी रही थी कि इसका कुछ बनाऊँ। तो आपके पास अगर ऐसी बॉटल नहीं है तो आप कोई दूसरी टाइप की भी बॉटल ले सकते हो। और इसका साइज़ इतना छोटा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था पहले कि क्या बनाऊं। तो चलो, अभी मैंने मास्किंग टेप लिया है और कुछ इस तरीके से इसे कट कर लिया है, जो उसके कॉर्नर्स होते हैं ना उसको थोड़ा सा राउंड शेप में कट करके यहाँ पर चिपका दिया है। तो दोनों बॉटल्स में हमें इस तरह से पीछे की साइड चिपका देना है। एंड ये मैंने क्यों चिपकाया वो आपको आगे पता चलेगा। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर क्ले, तो मैंने मोल्डेड क्ले लिया है, आप कोई भी दूसरी क्ले यूज़ कर सकते हो। अब जल्दी से मैं दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स कर लूँगी और फिर इस बॉटल में हम थोड़ा सा क्ले वर्क करेंगे। तो चलो अब मैं आपको बता ही देती हूँ कि हम क्या बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं सॉल्ट एंड पेपर की बॉटल, मतलब कि सॉल्ट एंड पेपर की जो बॉटल का सेट आता है ना वैसा हम बना रहे हैं। तो वैसे तो मैं इसको बिल्कुल सिंपल सा पेंट करके भी ये सेट बना सकती थी, बट मुझे थोड़ा तो कलाकारी करनी ही थी, और थोड़ी कलाकारी करने के चक्कर में मैं थोड़ा और करते करते मैंने कुछ ज़्यादा ही कलाकारी इसमें दिखा दी। तो इन दोनों ही बॉटल्स पे मैं ट्राइबल फेसेस बना रही हूँ, जिसमें से एक लड़का होगा और एक लड़की होगी, यानी कि एक हैप्पली मैरिड कपल होगा। अब मैरिड है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कपल तो है। और आप चाहो ना तो इसमें और भी अलग अलग तरह के डिज़ाइंस बना सकते हो। आपको बस इतना करना है कि आप अमेज़ॉन पर जाओ और ऐसे सर्च करो कि सॉल्ट एंड पेपर सेट, और फिर उसमें बहुत ढेर सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आप कोई भी ऑप्शन वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो और बना सकते हो। एंड ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कभी कभी कोई कोई लोग बोलता है कि कुछ इजी सा बनाओ मानसी, ये हमारे लिए बहुत कठिन है। तो जिसके लिए भी पेंटिंग वगैरह करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए मैंने ये ईजियर ऑप्शन भी बता दिया है। एंड मैं भी अक्सर ऐसे ही करती हूँ, जब भी मुझे कोई आइडिया लेना होता है तो मैं अमेज़ॉन से या अपने घर के आसपास ही किसी शॉप से इस तरह की डिज़ाइंस देखती रहती हूँ, ताकि मैं उसको रिक्रिएट कर सकूँ अपने स्टाइल में, वो भी कबाड़ को यूज़ करके। तो अभी यहाँ पे मैंने दो जो हमारे दंपति थे उनको तो बना लिया, बट फिर मुझे लगा कि एक और बॉटल मैं यूज़ करती हूँ। तो उस थर्ड बॉटल में ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस मैंने उसके ढक्कन पे क्ले वर्क कर लिया है। तो सारा क्ले वर्क करने के बाद अब हम इस पे जेसो का एक कोट अप्लाई करेंगे। एंड अगर आपके पास जेसो नहीं है तो आप नॉर्मल एक्रीलिक कलर से या फिर चॉक पेंट से भी बेस कोटिंग दे सकते हो। तो फर्स्ट कोट ड्राई होते ही हम इस पर पेंटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आज मैं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कलर्स यूज़ कर रही हूँ, मतलब मैं हमेशा चटक चटक कलर्स यूज़ करती हूँ, लाइक येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, इस तरह के। बट आज मैंने इसको ब्राउन कलर में बनाया है, डार्क ब्राउन कलर मैंने लिया है, वो भी चॉक पेंट लिया है। एंड मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपनी कलर पैलेट के साथ कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहूं। तो जब मैंने करना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि ये जो ब्राउन कलर है ये इतना चटक नहीं है, पता नहीं कैमरे पर उतना अच्छा दिखेगा नहीं, क्योंकि मैं मोबाइल से ही शूट करती हूं। बट जब ये पूरा बन के कम्प्लीट हुआ ना तो ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड मुझे लगा कि मुझे ऐसे नए नए कलर्स जो मैं ज़्यादातर यूज़ करना नहीं पसंद करती हूँ वो भी मुझे यूज़ करने चाहिए। एंड ये जो मैंने ब्राउन चॉक पेंट यूज़ किया था ना, ये बिल्कुल टेराकोटा वाला लुक दे रहा था, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये ग्लास बॉटल है, ऐसा बिल्कुल देख के लग रहा था कि ये सिरेमिक का या फिर जो टेराकोटा के पॉट्स आते हैं ना बिल्कुल वैसा दिख रहा था।
तो मैंने पहले लड़की को पेंट कर लिया, अब जो हमारा लड़का था मतलब कि हमारा जो हीरो था उसको भी अब हम पेंट करेंगे। तो जो मैंने ना आईज़ के ऊपर भी रेड कलर किया था वो बाद में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उसको वाइट कलर में ही कर दिया। तो मैंने भी ऐसे ही जो ऑनलाइन सेलिंग वाली एप्स होती है ना उसमें बहुत ढेर सारे ऐसे सेट देखे थे जो कि सिरेमिक के होते हैं, मैंने बहुत सारी डिज़ाइंस देखी। और फिर उसमें मैंने एक ऐसे ही ट्राइबल वाला सेट देखा था, तो उसी से मिलता जुलता मैं भी बना रही हूँ। तो अब इसकी नाक और कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गोल्डन एक्रीलिक कलर का यूज़ किया है। तो दोनों फेसेस को रेडी करने के बाद अब जो उसका ढक्कन है यानी कि जो इनकी टोपी है उसको भी हम पेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ब्लैक चॉक पेंट का यूज़ कर रही हूँ, आप एक्रीलिक कलर भी यूज़ कर सकते हो। एंड जब भी मैं आपसे ये बोलती हूँ ना कि एक्रीलिक कलर यूज़ कर रही हूँ, तो आप अपने आप समझ जाया करो कि एक्रीलिक की जगह आप चॉक पेंट भी यूज़ कर सकते हो या चॉक पेंट की जगह आप एक्रीलिक कलर भी यूज़ कर सकते हो। अब मेरे पास भी जो शेड अवेलेबल होता है मैं वो यूज़ कर लेती हूँ, फिर चाहे वो चॉक पेंट हो या एक्रीलिक पेंट हो। और अक्सर मेरे पास कोई शेड्स अवेलेबल नहीं होते ना, तो मैं कभी चॉक और एक्रीलिक कलर को मिला करके कोई नए शेड बनाती हूँ फिर यूज़ करती हूँ। एंड जो भी कलर्स वगैरह जो भी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ उन सबके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप वहाँ से परचेज कर सको। और बहुत सारे शेड्स ऐसे भी हैं जो मैंने मिक्स करके बनाया, तो उसका लिंक तो आपको नहीं मिलेगा, वो आपको मिक्स करके ही शेड घर पर बनाना पड़ेगा। तो ये जितना भी बारीक बारीक वाला काम है उसको बनाने के लिए मैंने 000 साइज के ब्रश का यूज़ किया है। और ये देखने में आपको लग रहा होगा कि सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी बन रही, पर इतना ज़्यादा बारीक वाला काम था क्योंकि कई सारे एलिमेंट्स थे इसमें। दोनों जो बॉटल्स थी उसके ऊपर भी डिज़ाइनिंग मैंने बनाई है, और फिर जो ढक्कन है उसके ऊपर भी मैंने दोनों ढक्कन पे अलग अलग बहुत बारीक बारीक वाली डिज़ाइन बनाई है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे, एंड इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि एक और बॉटल बनाना तो बनता है। बट फिर मैंने सोचा कि दो बॉटल्स में तो सॉल्ट एंड पेपर हो जाएंगे, फिर थर्ड बॉटल मैं किस लिए बना रही हूँ? तो थर्ड बॉटल में हम अचार वगैरह रख सकते हैं, या फिर अगर आप सौंफ और मिश्री खाते हैं खाने के बाद तो आप वो रख सकते हैं। तो इसको मैं चाह रही थी कि मैं एक अचार की बर्नी जैसा ही लुक दूं, बट इसमें भी कलाकारी दिखाना तो ज़रूरी था। तो जैसी अचार की बर्नी आती ना वैसे ही मैंने इसकी बॉडी को पेंट किया है, और जो बीच में हम कलाकारी दिखा रहे हैं उसके लिए मैंने वही सारे कलर्स यूज़ किए हैं जो कि हमने अपनी बाकी की दोनों बॉटल्स भी यूज़ किए, ताकि ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि ये सेट का हिस्सा नहीं है और कहीं अलग से बॉटल ला के रख दी गई है। तीनों एक ही फैमिली के मेंबर लगने चाहिए। वैसे ही मिलती जुलती मैंने डिज़ाइनिंग इस पर भी की है। तो फिर से मैंने अपना 000 साइज़ वाला ब्रश उठाया और वही बारीक बारीक वाला काम करना स्टार्ट कर दिया, और बहुत टाइम लगा के आराम आराम से पेशेंस के साथ इसको भी मैंने कम्प्लीट किया। अब इसकी भी जो टोपी है मतलब जो ढक्कन है उसको भी हम ऐसे पेंट करेंगे कि बाकी के जो दोनों ढक्कन है उससे ये मैच हो जाए। तो मैच कराने के लिए हम वही मिलते जुलते कलर्स ही यूज़ करेंगे। तो सारी बॉटल्स तो हमने पेंट कर ली, अब जो इसके पीछे टेप लगाया था वो रिमूव कर देंगे। और इसका पर्पस यही है कि जो भी चीज़ हम इसके अंदर रखेंगे वो बाहर से ही दिखाई दे, और बार बार खोल के बॉटल्स को चेक ना करना पड़े कि कौन सी चीज़ किस में रखी है। तो बॉटल्स तो हो गई है रेडी, बट इसको हम ऐसे ही थोड़ी ना टेबल पे रख देंगे कि बस उठा के ले गया और रख दिया। इतना अनप्रोफेशनल काम हम नहीं कर सकते हैं, मुझे ना बिल्कुल प्रोफेशनल यूट्यूबर की तरह बनना है। तो इसके लिए हम इन सेट के साथ एक ट्रे भी बनाएंगे। अब ट्रे बनाने के लिए मेरे पास कोई MDF तो था नहीं, और MDF मैं ज़्यादातर यूज़ भी नहीं करती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर चाहती हूँ कि कबाड़ से ही चीज़ें बनाऊँ। बाकी आप चाहें तो MDF का भी ऐसे ट्रे यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने कार्डबोर्ड लिया और इसका बेस यहाँ पे रेडी कर ले रही हूँ, और ट्रे की तरह इसको शेप दे रही हूँ। तो जो बड़े वाले कार्डबोर्ड का साइज़ है वो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। अब साइड में मैं इसमें पतली पतली सी स्ट्रिप्स कार्डबोर्ड से ही कट करके यहाँ पे चिपका दूंगी। अब जो इसकी एजेस हैं उसे हमें कवर करना है, क्योंकि एजेस को ऐसे छोड़ देंगे तो फिर तो अच्छा नहीं लगेगा, और हमें तो बनना है प्रोफेशनल, तो उसके लिए हमें इसकी एजेस को भी तो थोड़ा अच्छा दिखाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए मैं न्यूज़पेपर ले रही हूँ, क्योंकि आप लोग मुझसे कई बार पूछते हो कि मानसी आपने टिश्यू पेपर यूज़ किया है, अब हम टिश्यू पेपर की जगह पे क्या यूज़ करें? तो आप कोई भी नॉर्मल पेपर यूज़ कर सकते हो, मतलब वेस्ट पेपर यूज़ करना, ऐसे अच्छा सा नया नया पेपर मत यूज़ कर लेना। तो न्यूज़पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में हमने ऐसे फाड़ के अब यहाँ साइड साइड में हम चिपका देंगे ताकि जो एजेस हैं वो कवर हो जाएँ। अब मैं ले रही हूँ वॉल पुट्टी, इसमें मैंने जो वॉल पुट्टी का पाउडर होता है वो और पानी और फेविकॉल ये तीनों चीज़ें मिक्स करके एक पेस्ट बना लिया है। अब एक ब्रश की हेल्प से मैं
जो ट्रे हमने बनाई थी उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे ताकि ये प्रॉपर एक ट्रे की तरह ही दिखाई दे। तो इसके कोने कोने में हर एक जगह हम वॉल पुट्टी को अच्छे से लगा देंगे एक लेयर, और एक भी कोना छोड़ना नहीं है, आगे पीछे हर तरफ हमें इसको लगा देना है। तो देखिए ड्राई होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, और अगर इतना स्मूथ नहीं है तो आप पहले सैंड पेपर से इसको स्मूथ कर लीजिए, उसके बाद अब इस पर हम पेंट कर रहे हैं। तो अब अगेन पेंट करने के लिए भी हमें ऐसे ही कलर्स यूज़ करने पड़ेंगे जो कि हमारी बाकी चीज़ों के साथ मैच करें, ताकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये ट्रे कहीं और से ले आए हैं हम। तो यहाँ पे भी मैं सेम कलर पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और थोड़ी सेम डिज़ाइनिंग भी हम करेंगे उसी तरह से। तो अब जैसे कि आपको भी पता है कि हमने इस पर वॉल पुट्टी लगाई है, अब हमने हाथ से ही बनाया तो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ये प्लेन हो नीचे से, तो रखने के बाद ये थोड़ा उबड़ खाबड़ जैसी ना हो, इसके लिए मैं यहाँ पे चार स्टैंड बना दे रही हूँ नीचे, ताकि जब हम इसको प्लेस करें तो बिल्कुल ये हिले डुले नहीं, और एक समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हाँ तो बस चलो वापस से अपनी कलाकारी पे आ जाते हैं, और घंटों लगाते हैं और इसको पेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बीच में हमने छोटी छोटी सी स्पेस छोड़ी है ना, वहाँ पे मैं कुछ ऐसे रैंडम सिंबल्स बना रही हूँ, क्योंकि ट्राइबल आर्ट है तो थोड़ा सा ऐसे लगना चाहिए कि ट्राइबल सिंबल्स कुछ बने हुए हैं। मुझे भी नहीं पता कि ये क्या सिंबल हैं, जो मेरे दिमाग में आ रहा था वो मैं बस यहाँ पे बना दे रही हूँ, क्योंकि अब अगर मैं रिसर्च करके और असली के जो ट्राइबल सिंबल्स होते हैं वो देख के यहाँ पे बनाती तो भी वैसे भी कौन सा आपको समझ में आने वाला था, या मुझे भी समझ में आने वाला था कि इन सिंबल्स का क्या मतलब है, तो कुछ भी बना देते हैं। अब इसके अंदर हम पेंट करने की बजाय यहाँ पे एक शादी का थिक कार्ड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगेन ये वाला पार्ट भी जो है वो वॉल पुट्टी से बना हुआ ही है, तो ज़रूरी नहीं है कि उतना ज़्यादा स्मूथ हो, और जब हम इसमें बॉटल्स रखें तो वो उबड़ खाबड़ जैसी सरफेस ना हो उसके लिए। अब प्रोफेशनल बनने की पूरी कोशिश करते हुए मैं इसका जो पीछे वाला पार्ट है जो कि दिखाई भी नहीं देगा किसी को, उसे भी हम पेंट करेंगे। तो सारी चीज़ें पेंट करने के बाद हमें इस पर वॉर्निश का एक कोट ज़रूर अप्लाई कर देना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना, और देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। आज का आइडिया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन को भी हिट कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियोस लाती हूँ ना हर हफ्ते उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।